चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। आज हमारी माननीय महापौर जयपुर की, जो कि जिस तरीके से उनको निलंबित किया गया है गहलोत सरकार द्वारा, वो ये दर्शाता है कि अब ये सरकार तानाशाही पे उतर आई है, हिटलर वाली राजनीति करनी शुरू कर दी है। उसके विरोध में आज हमने माननीय देवी शंकर बुद्रा जी और हमारे विधायक रामस्वरूप लांबा जी के निर्देशानुसार यहाँ पर हमने एक बड़ा आयोजन विरोध प्रदर्शन का रखा, जिसके अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर भाग लेकर के और इसका विरोध दर्ज कराया। और हम चाहते हैं कि गहलोत सरकार अपनी नींद से जाग जाए, जो तानाशाही वो यहाँ पर कर रही है वो नहीं करे। जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भुजड़ा व विधायक रामस्वरूप लांबा के निर्देशानुसार, जैसा कि नगर निगम जयपुर ग्रेटर की चेयरमैन डॉक्टर सौम्या गुजर को तथा तीन पार्षदों को अलोकतांत्रिक तरीके से गहलोत सरकार ने निलंबित किया है, जून के महीने में आज के 40 वर्ष पूर्व इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी और आज लोकतांत्रिक तरीके से जो इमरजेंसी लगाई थी उसी तरीके से आज हमारी जो चेयरमैन है भाजपा की डॉक्टर सौम्या गुजर, वो तीन पार्षदों को निलंबित करके गहलोत सरकार ने दिखा दिया कि वो इंदिरा गांधी के ही वंशज हैं। आज पूरे राजस्थान में भाजपा द्वारा सौम्या गुजर के निलंबन के कारण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज नसीराबाद भाजपा मंडल ने भी विरोध और प्रदर्शन किया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गहलोत सरकार ने जो लोकतंत्र की हत्या की जयपुर नगर निगम में, उसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी नसीराबाद मंडल के कार्यकर्ता ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे राजस्थान में सभी मंडलों पर, सभी स्थानों पर प्रदर्शन हो रहा है, उसी के तहत हम नसीराबाद में भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि सरकार अब जाग जाए, इसकी तानाशाही पूर्ण रवैया अब ये नहीं चलेगा। अलोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार को हटाया गया वो अब नहीं चलेगा, नहीं तो जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी। धन्यवाद।